जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी और स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कमांडो एकेडमी में। दोस्तों, आज का ये वीडियो स्पेशली मैं बना रहा हूँ आपके लिए कि जो आपके डिपार्टमेंटली कोई से भी डिपार्टमेंट में हो, उसमें जो डिपार्टमेंटली एग्जाम होता है वो कब होता है, डिपार्टमेंटली एग्जाम का जो पैटर्न होता है वो कैसा होता है, उसके जो सिलेबस होता है वो कैसा होता है, और डिपार्टमेंटली एग्जाम से आप कौन सी पोस्ट तक पहुँच सकते हो, यानी कितना प्रमोशन आप डिपार्टमेंटली एग्जाम देके ले सकते हो। दोस्तों, आप सभी को कईयों को पता भी होगा कि अभी CRPF में डिपार्टमेंटली एग्जाम आ रखा है हवलदार का, तो जिसकी नोटिफिकेशन आपकी CRPF की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर भी है। तो 1400 पोस्ट के आसपास वो वैकेंसी है ओनली CRPF के लिए। काफ़ी अच्छी पोस्ट है, कम नहीं है, 1400 पोस्ट अच्छी पोस्ट होती है। तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि डिपार्टमेंटली जो एग्ज़ाम होता है, कब आप उसके लिए एलिजिबल होते हो और क्या क्या उसके लिए आवश्यक है। दोस्तों, साथ ही वीडियो शुरू करने से पहले, तो मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल फौजी मैथ अकेडमी, उस पर मैंने बहुत सारे मैथ और रीजनिंग के वीडियो डाले हैं, तो जितने भी आप पढ़ने के इच्छुक हैं वो ज़रूर जाके उस पर विजिट कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर है। दोस्तों, तो जो डिपार्टमेंटली आपके एग्ज़ाम होते हैं उसकी कंडीशन क्या होती है, उसकी जो पहली कंडीशन, दो टाइप के एग्ज़ाम होते हैं, दो नहीं तीन टाइप के। एक होता है RO जो रेडियो ऑपरेटर का होता है, दूसरा हेड कांस्टेबल का, तीसरा SI का। आप कांस्टेबल रैंक से ये तीन एग्ज़ाम दे पाओगे। जो RO होता है रेडियो ऑपरेटर का, इसका जो एग्ज़ाम है ये आप दे सकते हो जब आपकी ज्वाइनिंग होती है उसकी ट्रेनिंग के 2 साल, मतलब आपको सर्विस बटालियन में सर्विस करने के बाद, ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद में 2 साल और, उसके बाद में आप ये एग्ज़ाम दे सकते हो, रेडियो ऑपरेटर यानी हवलदार बन सकते हो। जो हेड कांस्टेबल है, जो रेडियो ऑपरेटर नहीं, जो डायरेक्ट हेड कांस्टेबल है हवलदार, तो उसके बनने के लिए आपको 3 साल सर्विस होनी चाहिए आपकी ट्रेनिंग के अलावा, मतलब 1 साल की ट्रेनिंग और 3 साल की सर्विस, यानी कम से कम 4 साल की सर्विस होनी चाहिए। SI ये भी आपके साल 3 साल की आपकी सर्विस होनी चाहिए, 1 साल की ट्रेनिंग अली। साथ में जो हवलदार है उसके लिए एजुकेशन आपकी 12th पास होनी चाहिए, और SI के लिए आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। जितने भी ग्रेजुएशन मेरे दोस्त अभी तक नहीं किए वो अपने ग्रेजुएशन को कंटिन्यू रखें, आपकी ग्रेजुएशन हो जाएगी, आपको एग्ज़ाम की छुट्टी मिल जाएगी, ट्रेनिंग में नहीं मिलेगी, ट्रेनिंग के बाद में आपको छुट्टी मिल जाएगी, और आप अपने एग्ज़ाम देके ग्रेजुएशन ज़रूर कंप्लीट कर लेना। अगर आप भी जीवन में चाहते हो कि आप SI बने या असिस्टेंट कमांडेंट बने, तो या DSP तक आप प्रमोशन लो डिपार्टमेंटली एग्ज़ाम देके, तो उसके लिए ये चीज़ें कंपलसरी हैं। अब बात करते हैं कि इनका एग्ज़ाम कैसे होता है, एग्ज़ाम का सिलेबस क्या होता है, क्या क्या क्वालिफिकेशन है। देखो दोस्तों, इसमें एग्ज़ाम की जो गणित है वो आपको थोड़ी सी अच्छे से समझाने के लिए मैं एक चीज़ बता रहा हूँ कि इसमें होता क्या, जितनी आपकी सर्विस बढ़ती जाएगी उसके नंबर होते हैं। आप जैसे 4 साल के बाद अगर एग्ज़ाम दोगे तो आपको सिर्फ 8 नंबर कुछ ऐसे मिलेंगे, 5 साल के बाद में 5 और 6 साल अगर आपकी कंप्लीट हो गई तो आपको 10 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे, 8 साल कंप्लीट हो गई तो आपको 16 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे, और आपकी 10 साल सर्विस कंप्लीट हो गई फोर्स में लगने के बाद में तो आपको 20 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे पेपर में, ये आपके सर्विस के अंक मिलते हैं। सर्विस के अंक के अलावा अगर कोई PTI कोर्स करता है और उसमें एक्सीलेंट लाता है तो उसके 20 अंक अलग से हैं। इससे पहले कमांडो कोर्स के भी 20 अंक थे, लेकिन वो अभी हटा दिए, केवल एक PTI कोर्स है जिसमें अगर एक्सीलेंट ग्रेड मिलता है तो उसको 20 अंक है। सेकेंड स्थान पर अगर जिसको मतलब गुड ग्रेड मिलता है, वेरी गुड मिलता है, उसको 16 अंक है, गुड वाले को 12 अंक कुछ ऐसा है, इस प्रकार से उसके नंबर भी इसमें एड होते हैं। इसके अलावा फिर बात सबसे पहले इसमें होता है फिजिकल। अब जब भी आप डिपार्टमेंटली एग्ज़ाम की जो नोटिफिकेशन है वो आपको पता कैसे चलती है, क्योंकि आपके जितने भी आप जहाँ पे भी ड्यूटी कर रहे हो वहाँ पर आपको नोटिफिकेशन आ जाती है, वहाँ पे ऑफिस ऑर्डर के द्वारा आप सभी को बता दिया जाती है कि भाई ये एलिजिबल लोग हैं, आप फॉर्म भर सकते हो, आपके फॉर्म वहीं से सबमिट होते हैं, आप वहाँ से फॉर्म सबमिट करते हो। उसके बाद में आपको फिजिकल होता है, फिजिकल के लिए आपको स्पेशल कोई छुट्टी लेने की ज़रूरत नहीं होती, डिपार्टमेंट जो डिपार्टमेंट आपका एग्ज़ाम करा रहा है वो अपने आप आपको वहाँ पर लेके जाएगा, फिजिकल कराएगा और वापस आपको छोड़ेगा, इसके लिए आपकी छुट्टी कटती नहीं है, ये डिपार्टमेंट अपने स्तर पर ही करवाता है। फिजिकल में क्या क्या होता है, अप जंप होता है 4 फुट, अभी हवलदार के लिए मैं बता रहा हूँ 4 फुट का अप जंप था, और 6.5 मिनट में 1600 मीटर की रनिंग थी। अभी जो प्रेजेंट टाइम में हवलदार का चल रहा था, इसमें SI का भी ये सेम है, इसमें लॉन्ग जंप होता है 10 फिट, 4 फिट अप जंप, 10 फिट लॉन्ग जंप, और 1600 मीटर रनिंग 6.5 मिनट, ये इसकी फिजिकल एक्सरसाइज थी, ये फिजिकल के इसके नंबर थे। इनके नंबर नहीं जुड़ते हैं, ये केवल मतलब ये क्वालिफाई करना पड़ता है इसके लिए। जैसे लॉन्ग जंप और अप जंप के लिए आपको 3-3 चांस भी होते हैं, ये आप कर सकते हो, ये आपका फिजिकल एक्सरसाइज होता है। इसके बाद में फिर होता है आपका एग्ज़ाम, एग्ज़ाम की फिर डेट आती है। एग्ज़ाम का सिलेबस क्या होता है, एग्ज़ाम का सिलेबस जो आप पढ़ रहे हो अभी SSC CD के लिए, सेम पूरा सिलेबस होता है, मतलब मैथ होता है, रीजनिंग होता है, हिंदी होता है, और GK होता है। एड इसमें क्या होता है, जिस डिपार्टमेंट को आप ज्वाइन कर रहे हो उस डिपार्टमेंट के क्वेश्चन,
ठीक है, उस डिपार्टमेंट की जैसे स्थापना कब हुई, उसकी कितनी बटालियंस है, उसकी मतलब अभी उसके जो डीजी महोदय कौन है, पहले डीजी महोदय कौन थे, इसकी किसके समय में कौन सी मतलब स्थापना हुई, उससे संबंधित, या उसके जो काम काज है कि वो इस प्रकार की ड्यूटी कौन सी धारा के अनुसार आती है, ये ड्यूटी कौन से कानून का अधिकार आती है, मतलब हर एक डिपार्टमेंट का अपनी एक कानून संहिता होती है जो IPC लो है, उसी की जो धाराएं होती है उसके आधार पर बताई दी जाती है कि यहाँ पर मानवाधिकारों का हनन होता है, इसके अकॉर्डिंग ये होता है, वो धाराओं के क्वेश्चन आते हैं। तो ये 50 क्वेश्चन आते हैं, 50 नंबर के, और 50 नंबर के वो हो जाते हैं। तो इस प्रकार से पेपर बनता है दोस्तों। तो ये डिपार्टमेंटली जो पेपर है उसका मादर होता है। अब जो सिलेबस होता है इसका, उसमें मैथ होगी, नॉर्मल जो 10th लेवल का जो मैथ होता है वही मैथ होता है। तो 10th क्लास मैथ कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, और ऑफलाइन भी होता है और कंप्यूटर बेस्ड, अभी इस बार का शायद कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम ही होगा। तो मैथ हो गई, GK हो गई, रीजनिंग हो गई और हिंदी, ये नॉर्मली आती है जो 10th क्लास का जो लेवल है उसी लेवल का आता है हवलदारी में। और जो SI का होता है उसमें ग्रेजुएशन लेवल का, हाँ उसमें भी एक चीज़ है कि उसमें भी हिंदी और इंग्लिश ऑप्शन में है, इसमें भी हिंदी इंग्लिश ऑप्शन में है। आप डिपार्टमेंटली अगर CPO के थ्रू अगर आप एग्ज़ाम दोगे तो वहाँ पर आपको केवल इंग्लिश का एक पेपर फाइट करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप डिपार्टमेंटली एग्ज़ाम दे रहे हो तो वहाँ पर हिंदी भी चूज कर सकते हो, ये आपके पास में ये ऑप्शन रहता है। बहुत सारे लोग जो डिपार्टमेंट में आके तैयारी करते हैं और SI या असिस्टेंट कमांडर बन जाते हैं, हमारे हमारे खुद के ट्रेनिंग में थे ऐसे जो सिपाही से SI और SI से अभी अभी DSP बने, अभी वो कोबरा में है तो अभी भी वो DSP बने, ये हमारे खुद के ट्रेनिंग के टाइम की बात। तो बहुत सारे लोग हैं जो पढ़ने वाला होना चाहिए, बाकी आपको एग्ज़ाम का मौका भी मिल जाता है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर डिपार्टमेंटली एग्ज़ाम कब मौका मिलता है कब नहीं, तो आपको 4 साल की सर्विस, अब सर्विस के दौरान आप पे कोई भी पनिशमेंट या किसी भी प्रकार का दंड नहीं होना चाहिए, अगर दंड हो गया तो फिर आप कोई भी एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे, मतलब किसी भी प्रकार का आपको पनिशमेंट नहीं होना, जिनको बोलते हैं ना रेड बुक बोलते हैं कि रेड बुक हो जाना या बुक ख़राब हो जाना, तो आपका जिसमें ACR भरा जाता है, आपका रिकॉर्ड जिसमें भरा जाता है वो बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, तब आप इन एग्ज़ामों के लिए एलिजिबल हो दोस्तों। तो इस प्रकार से डिपार्टमेंटली एग्ज़ाम होता है, डिपार्टमेंटली एग्ज़ाम के लिए ये चीज़ आवश्यक है। मेन जो चीज़ आवश्यक है वो आपकी पढ़ाई है, आपको पढ़ाई करते रहना, फिजिकल फिट तो आप यहाँ पर हो ही जाओगे, 4-5 साल 6 साल 8 साल वो आप पे डिपेंड करता है, कि अगर आप कोई भी गलत संगत नहीं पकड़ते, किसी प्रकार का नशा वशा नहीं करते तो आपका शरीर बिल्कुल फिट रहेगा। तो अगर जितने भी नशा वशा करने वाले हैं तो अगर वो चाहते हैं कि जीवन में आगे बढ़े तो इनसे दूर हो जाए, इनसे बचें, ठीक है। ऐसा नहीं कि जिस दिन नंबर आता है उस दिन पार्टी हो जाए, फेल ही हो जाओ, ऐसा काम नहीं करना। ज़िंदगी में याद रखना एक चीज़ कि जो काम करना ना होश में करना, मत होशों के करने में मज़ा नहीं कुछ, जब पता ही नहीं है क्या कर रहे हैं तो किस लिए कर रहे हैं, तो इसलिए जो भी करना होश में करना और होश आवास में ही रहना, ये सबसे बेस्ट थिंग है। तो दोस्तों ये आपके लिए डिपार्टमेंटली एग्जाम के काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, उन सभी क्वेश्चनों का आई थिंक आंसर हो गया, फिर भी अगर किसी के क्वेश्चन बच जाते हैं मेरे को इंस्टाग्राम पे भी बता सकता है और इधर भी बता सकता है। जय हिंद, जय भारत।